हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कॉन्टेक्टर साइज सिलेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के स्टडी में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। बेसिकली किसी भी थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए यदि हम ड्यूअल स्टार्टर या रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यूज करते हैं तो हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्टेक्टर कनेक्ट करना होता है। बट यदि हम हमारी मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर से चला रहे हैं तो जो मोटर का फुल लोड करंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कॉन्टेक्टर कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है पहले हम यह समझ लेते हैं। बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारे पास तीन कॉन्टेक्टर होते हैं। एक होता है मेन कॉन्टेक्टर, एक होता है डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक होता है स्टार कॉन्टेक्टर। और एट अ टाइम हमारी मोटर को चलाने के लिए कोई भी दो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते हैं। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर पहले मेन और स्टार में चलती है। जितना टाइमिंग हम इस टाइमर में सेट करते हैं वो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद मेन और डेल्टा में चलती है। दैट मीन्स देखा जाए तो एट ए टाइम हमारे कोई भी दो कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते हैं। अब यदि हम तीनों कॉन्टेक्टर मोटर का फुल लोड करंट के बराबर कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा स्टार्टर की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं तीनों कॉन्टेक्टर को हमें कितने रेटिंग का कनेक्ट करना होगा। पहले हम आज के स्टूडियो में यही देखने वाले हैं। सपोज हमारे पास कोई 10 किलोवाट की मोटर है तो उसके चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में तीनों कॉन्टेक्टर का साइज क्या होना चाहिए यह समझ लेते हैं। पहले हमारे पास 10 किलोवाट की मोटर के लिए फुल लोड करंट कितना होगा यह समझ लेते हैं। चलिए पहले हम 10 किलोवाट की मोटर कितना इसका फुल लोड करंट है वह देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है P=√3VI cos φ एंड इफिशियंसी। इससे हम पहले फुल लोड करंट निकाल लेते। देखिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए, फुल लोड करंट चाहिए। तो आई को हम यहाँ रख के बाकी सबको इसके नीचे कर देते हैं। P = होगा यहाँ पावर है जो कि हमारे पास यहाँ पे वाट में पुट करना है। √3 V cos V क्या है हमारे पास वोल्टेज है जो कि 415 हम यूज करने वाले हैं। बेसिकली पावर फैक्टर हम देखा जाए तो हम मान के चल रहे हैं 0.85 क्योंकि जो मोटर होती है उसके लिए हम 0.85 मान के चल रहे हैं। और मोटर की जो एफिशिएंसी होगी उसे हम मान के चल रहे हैं। ये हमारा पावर फैक्टर 0.85 और एफिशिएंसी हम मोटर की कंडीशन अच्छी है तो हम मान के चल रहे हैं 0.90 इंटू एफिशिएंसी हम यहाँ पे ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हम यदि कैलकुलेशन करते हैं R = क्या होगा, यहाँ पे हमें वाट में पुट करना है बट ये हमारे पास 10 किलो वाट है इसलिए हम 10,000 यहाँ पे कर देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732 इंटू वोल्टेज है 415, पावर फैक्टर है 0.85, इसके अलावा मोटर की एफिशिएंसी है 0.90। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारा जो नीचे का आंसर आएगा 549.8667, ऊपर हमारा आएगा 10,000। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो मोटर का फुल लोड करंट आएगा वो आएगा 18.186 एम्पियर। दैट मीन जो 10 किलोवाट की मोटर है उसका फुल लोड करंट इतना है। अब इसके हिसाब से हमें कॉन्टेक्टर को साइज सिलेक्ट करना है। दैट मीन्स इतने करंट की मोटर को चलाने के लिए हमें स्टार कॉन्टेक्टर कितने का लगाना होगा, मेन कॉन्टेक्टर कितने का लगाना होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर कितने का लगाना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। चलिए कॉन्टेक्टर साइज सिलेक्शन समझने से पहले हम उसके स्टार डेल्टा स्टार्टर के पावर वायरिंग के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ये हमारे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग है। इसमें ये MCB है, ये मेन कॉन्टेक्टर, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये स्टार कॉन्टेक्टर है। जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो मेन और स्टार में चलती है क्योंकि हमें क्या करना होता है, मोटर का करंट रिड्यूस करना होता है। ये कैसे करते हैं वो भी समझेंगे। और जितने टाइमिंग हमने टाइमर में सेट की है उस टाइमिंग के बाद स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है और डेल्टा ऑपरेट होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। चूंकि जो हमारी थ्री फेज मोटर होती है जब हम उसे स्टार्ट करते हैं तो जो उसका फुल लोड करंट होता है उसका 3-5 टाइम करंट ज्यादा लेती है। यदि इतना करंट हम हमारी किसी भी मोटर को डायरेक्ट दे देते हैं तो क्या होगा, हमारी मोटर जल भी सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार में चलाते हैं। स्टार में चलाने से करंट कम क्यों हो जाता है पहले हम यह समझ लेते हैं, उसके बाद हम कॉन्टेक्टर देखेंगे। देखिए ये हमारे पास स्टार कनेक्शन है। कोई स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हर एक वाइंडिंग को देखिए, यहाँ पे RY भी कनेक्ट हो रहा है, बाद के 3 टर्मिनल शॉर्ट हो गए हैं। यहाँ पे स्टार कनेक्शन कैसे बनेगा ये हम समझ लेते हैं। देखिए 3 पॉइंट से यहाँ पे RY भी आ जाएगा हमारे और यहाँ पे ये डेल्टा कॉन्टेक्टर तो ऑफ रहेगा, स्टार ऑन रहेगा और बाद के 3 टर्मिनल यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे जनरली। तो क्या होगा, हर एक वाइंडिंग को पर्टिकुलर हमारा कितना वोल्ट मिलेगा ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 415 एक वाइंडिंग को मिल रहा है। यदि ये पॉइंट शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, इसका √3 हो जाएगा। दैट मीन्स हर एक वाइंडिंग को 240 वोल्ट के अप्रोक्स मिलेगा। 240 वोल्ट के अप्रोक्स मिलेगा तो क्या होगा, करंट भी इसका रिड्यूस होगा। तो बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट रिड्यूस करने के लिए ही हम हमारी मोटर को स्टार में चलाते हैं। देखिए अब करंट भी कितना रिड्यूस होगा, जो इसका यहाँ पे जितना करंट है दैट मीन्स मेन और डेल्टा में जितना करंट है उसका √3 डिवाइड बाय जितना करंट है उसका √3
करंट कम फ्लो होगा स्टार कॉन्टेक्टर से। तो पहले हम स्टार कॉन्टेक्टर का साइज सिलेक्शन समझ लेते हैं। स्टार कॉन्टेक्टर हमें कितने का कनेक्ट करना होगा। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मेन और डेल्टा में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका रूट 3 डिवाइड बाय करंट हमारा स्टार में फ्लो होगा। तो हमने माना फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका रूट 3 हमने किया। तो रूट 3 करने के बाद हमारा स्टार कॉन्टेक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, तो 58% करंट फ्लो होगा। किसका? मेन और डेल्टा का। दैट मीन्स मेन और डेल्टा में जितना करंट फ्लो हो रहा है उसका ओनली 58% ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर में फ्लो होगा। इसलिए हमें स्टार कॉन्टेक्टर छोटा लगाना होगा एज कम्पेयर टू मेन और डेल्टा का। तो कितना छोटा कर लगाना होगा, इसके लिए यदि हम देखा जाए तो जो मेन कॉन्टेक्टर होता है उसका और डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है, दैट मीन्स जो उसका मोटर का फुल लोड करंट होता है, जो भी फुल लोड करंट होता है मोटर का, उसका हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 3 करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 33% आ जाएगा। जो भी फुल लोड करंट हो उसका डिवाइड 3 हम यदि कर देंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का साइज आ जाएगा, जो कि आएगा 33%। हमारा फुल लोड करंट कितना आया था, 18.186। इसका यदि हम लेते हैं 33%, तो 18.186 इंटू 33 डिवाइड बाय 100 यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का साइज आएगा वो आएगा 6.00138 एम्प। ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर का साइज आ गया है। सो आई होप आपको यह समझ में आया होगा क्या होगा, क्योंकि मेन और डेल्टा का 58% करंट ओनली फ्लो होगा स्टार से, इसलिए स्टार कॉन्टेक्टर हमें छोटा कनेक्ट करना होगा। तो कितना कनेक्ट करना होगा, जो फुल लोड करंट है उसका डिवाइड बाय 3, जो कि हमारा आया 33%। तो ये इतना आ गया हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। अब बात आती है मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमें कितने एम्पेयर के कनेक्ट करना होगा 10 किलोवाट के मोटर को चलाने के लिए, वो हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर का सेक्शन समझ लेते हैं। देखिए मेन और डेल्टा में क्या हो रहा है, हमारी हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 220 मिल रहा था, बट यहाँ पे 440 मिल रहा है। हर एक वाइंडिंग को 440 वोल्ट मिल रहा है। अब हम इसका सिलेक्शन समझ लेते हैं किस तरह किया जाएगा। सपोज हम क्लैंप मीटर से यहाँ पे करंट मेजर करते हैं, यहाँ पे कितना आया, 10 एम्पीयर आया, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, 10 एम्पीयर यहाँ पे आया। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह करंट मेजर करते हैं, देखिए इस वाइंडिंग को कितना जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्पीयर यहाँ पे आ रहा है और यहां से इस वाइंडिंग में 10 एम्पीयर आ रहा है। दैट मीन्स इस वाइंडिंग में टोटल कितना आ रहा है, 10 एम्पीयर यहां से आ रहा है और 10 एम्पीयर यहां से आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाइंडिंग में 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है, 20 एम्पीयर करंट यहां पे फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है पहले हम यह समझ लेते हैं। तो क्या होगा, जितना भी 10 एम्पीयर इंटू 1.732 जो कि आएगा हमारा 17.32 एम्प, दैट मीन्स इस वाइंडिंग में 17 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी तरह हम पहले अब हम इस कॉन्टेक्टर का साइज सिलेक्शन समझ लेते हैं किस तरह किया जाएगा, इसी के ऊपर पूरा इसके बेस्ड है। देखिए इस इतने एम्पेयर को चलाने के लिए हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, ओके, फिक्स नहीं है। देखिए अब इतने एम्पेयर को चलाने के लिए हमने 2 कॉन्टेक्टर यूज किए हैं। इसका फुल लोड करंट कितना है, अभी फुल लोड करंट तो हमारा जो आया वो टोटल इस वाइंडिंग का आया है। अब इस वाइंडिंग को चलाने के लिए हमें 2 कॉन्टेक्टर यूज करना है, एक कॉन्टेक्टर ये वाला है और एक कॉन्टेक्टर ये वाला है। तो कितने का कॉन्टेक्टर यूज होगा समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया था, जो भी करंट आया था उसमें 1.732 दैट मींस रूट 3 का मल्टीप्लाई किया था। तो कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन करना है तो जो उसका फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट का हमें रूट 3 करना है। रूट 3 दैट मींस फुल लोड करंट डिवाइड बाय 1.732, जितना भी आएगा उतने का हमें कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगाना है। यदि हम 1 समझे, फुल लोड करंट 1 एम्पेयर है, 1.732 लेते हैं तो 58% ये आएगा हमारा। दैट मींस देखा जाए तो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमें 58% कनेक्ट करना होगा जो हमारा फुल लोड करंट है उसका। अब हमारे पास फुल लोड करंट कितना है, 18.186, इसका हमें ले लेना है 58% 186 इंटू 58 डिवाइड बाय 100। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे जो मेन कॉन्टेक्टर का साइज आएगा वह आएगा 10.5478 एम्पियर। दैट मीन्स जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर होगा वो होगा 10.54 एम्पियर। दैट मीन्स 10, अब 10 से बड़ा जो भी कॉन्टेक्टर आता है आप उतना रेटिंग का कॉन्टेक्टर मेन और डेल्टा के लिए यूज कर सकते हैं, और स्टार कॉन्टेक्टर के लिए जनरली आपको 6 एम्पियर तक का ही कॉन्टेक्टर यूज करना है, क्योंकि जितना करंट हमारा मेन और डेल्टा से फ्लो होगा उसका 58% करंट हमारा दैट मीन्स स्टार से फ्लो होगा, इसीलिए हमने स्टार कॉन्टेक्टर को छोटा लिया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप
यदि इसी मोटर 10 HP की मोटर को यदि आप रिवर्स फ्लो स्टार्टर से या ड्यूअल स्टार्टर से रन करना चाहते हैं, तो जो आपका फुल लोड करंट है उतना, दैट मीन्स 18.186 के अप्रोक्स आपको कोई भी कॉन्ट्रेक्टर कनेक्ट करना होगा। बट स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऐसा नहीं है, आपको मेन और डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर इतने का कनेक्ट करना होगा, स्टार कॉन्ट्रेक्टर इतने का कनेक्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा भी यदि आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।